हेलो दोस्तों, आज हम दही की मीठी वाली लस्सी बनाएंगे। दही हम किसी भी रूप में खाएं, दही हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू ब्लॉग्स एंड ब्यूटी। और मैं हूँ खुशबू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी सी रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो लस्सी बनाने के लिए हमें मेन चीज़ जो चाहिए वो है दही। यहाँ पे मैं 2 कप दही ले रही हूँ। दही में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है चीनी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप दही लिया है और 1 कप चीनी ली है। मिठास आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें लेंगे 1 चुटकी के करीब में इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप ना डालें। अब हम ले लेंगे 1 व्हिस्कर इस तरीके का, जिससे हम दही अच्छे से फेंट सकें, या आप घर में नॉर्मल जो मथानी होती है ना, उससे भी फेंट सकते हैं। और इसको फेंटने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे ब्लेंडर में डाल के 1 मिनट के लिए चला दें, तो ये बहुत जल्दी फेंट जाएगा। अब हमें इसको तब तक फेंटना है जब तक कि इसमें चीनी अच्छे से घुल ना जाए। अगर आपको बिल्कुल ठंडी एकदम चिल्ड लस्सी चाहिए तो यहाँ पे 4 से 5 आइस क्यूब्स डाल के उसको भी इसके साथ फेंट लें। तो ये हमने फेंट लिया है दही को अच्छे से, इसमें चीनी अब घुल गई है। तो अब हम इसको चलते हैं सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, हम 1 गिलास में इसको डाल लेंगे। आप चाहें तो गिलास में लस्सी डालने से पहले इसमें 1-2 आइस क्यूब्स के भी डाल सकते हैं। अब हम थोड़े से दही की मलाई लेंगे, ऐसे थोड़ा मोटा सा, और इसके ऊपर से हम लगा देंगे, जिससे देखने में ये और अच्छा दिखेगा और पीने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट लस्सी बनी है। गर्मी के मौसम में आप इस तरीके से लस्सी बना के कभी भी पी सकते हैं। ये शरीर को बहुत ही तरावट देती है और बहुत ही फायदेमंद है। अगर आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।